गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइंस और एल्काइंस वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जो डाइंस वाला पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं जो भी हमारे सिलेबस में है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्काइन से है। सबसे पहले हमें एल्काइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन करना है कि एल्काइंस होते क्या हैं, उनका नोमनक्लेचर क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के वाइसोमर्स शो करते हैं, टर्मिनल नॉन टर्मिनल हमारे पास किस किस टाइप के एल्काइंस होते हैं। सो बेसिक जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगा एल्काइंस के। सो अगर मैं एल्काइंस के बारे में बात करता हूँ, एल्काइंस क्या होते हैं, हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्किन्स में हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं लेकिन वहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, और जब हम बात करते हैं एल्काइंस की तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे सबसे बेसिक हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है, और ये इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या है हमारे पास, टू पाई बॉन्ड एंड वन सिग्मा बॉन्ड, और ये सबसे हमारे पास बेसिक मोइटी है एसिटाइलिन। ये सबसे बेसिक मोइटी हमारे पास क्या है, एसिटाइलिन। सो एल्काइंस हमारे पास बेसिकली है क्या, एल्काइंस वो मॉलिक्यूल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो सभी हमारे पास एसिटाइलिन की कैटेगरी में आते हैं जिनमें ओनली ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनके लिए, सेम वही होता है। जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने डाइंस में हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, SCN H2N-2, और एन वहाँ पे क्या हो सकता है, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ओके, ये आइसोमेरिक होते हैं डाइंस के साथ। जब हमने डाइंस के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि डाइंस आर आइसोमेरिक विद एल्काइंस, और मैं कह सकता हूँ कि जो एल्काइंस है वो क्या है, आइसोमेरिक है डाइंस के साथ। लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ वो दोनों की डिफरेंट है। डाइंस एंड एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला सेम है लेकिन जो इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो दोनों की क्या है, डिफरेंट है। ओके, एल्काइंस में बेसिक हमारे पास इतना ही है कि एल्काइंस होते क्या है, टू पाई बॉन्ड होते हैं, जो पाई बॉन्ड होता है वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। बेसिक यूनिट की अगर मैं बात करूँ क्या, वो क्या हमारे पास एसिटाइलिन है, और एन की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, 2, 3, 4 तक वो वेरी कर सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है नोमनक्लेचर। नोमनक्लेचर में अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक तो वही कॉमन नेम होगा, हमें इसका कॉमन नेम और एक IUPAC नोमनक्लेचर की हमें बात करनी है। सो कॉमन नेम में अगर मैं बात करूँ, कॉमन नेम होता है इसका एसिटाइलिन। कॉमन नेम में क्या आएगा, एसिटाइलिन। सो कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ, कॉमन नेम में क्या हमारे पास, इसका जो बेसिक यूनिट है एसिटाइलिन, हम इसका उसी से ड्रा करते हैं जो कॉमन नेम होता है। जो एसिटाइलिन है बेसिक यूनिट, हम उसके दूसरे अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हम उसका जो कॉमन नेम ड्रा करते हैं वो इसके एसिटाइलिन मॉलिक्यूल से ड्रा करते हैं। अगर उसमें इसके पास कोई दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, हम उसको इसका एज ए अल्काइल डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं। वो क्या क्या होता है इसका, अल्काइल डेरिवेटिव। सो मैं कह सकता हूँ एसिटाइलिन और इट्स अल्काइल डेरिवेटिव। ओके, अल्काइल डेरिवेटिव कैसे, जैसे मेरे पास ये हो गया CH3। बेसिक तो आपने देख लिया, एसिटाइलिन हो गया हमारे पास CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, सो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। और अगर मैं इसको CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे क्या हो, मैंने उसको इथाइल से रिप्लेस कर दिया, एंड इट्स अल्काइल डेरिवेटिव। एंड इट्स अल्काइल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है कि मिथाइल एसिटाइलिन, सो यहाँ पे क्या होगा, इथाइल एसिटाइलिन। ओके, और अगर मैं दोनों साइड चेंज कर देता हूँ, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाईमिथाइल एसिटाइलिन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। जो यहां पे मिथाइल
मीन्स जो यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है एंड इट्स अल्काइल डेरिवेटिव, एस्टाइलिन एंड इट्स अल्काइल डेरिवेटिव क्या होगा उसका कॉमन नेम होगा। यहाँ पे इथाइल है सो इथाइल एस्टाइलिन, यहाँ पे क्या दो मिथाइल ग्रुप है दोनों साइड सो क्या होगा डाई मिथाइल एस्टाइलिन। ओके सपोज करो ये इस तरह से है, यहाँ पे मेरे पास C6H5 सी ट्रिपल बॉन्ड CH है सो ये क्या हो जाएगा फिनाइल एस्टाइलिन, बिकॉज जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है ये जो इसका किसका डेरिवेटिव है फिनाइल का डेरिवेटिव है सो दिस वन इज द फिनाइल एस्टाइलिन। ये हम बात कर रहे थे इसके कॉमन नेम की, ये सभी क्या था ये इसके कॉमन नेम में आएगा कि मिथाइल एस्टाइलिन, इथाइल एस्टाइलिन, प्रोपाइल हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल हो सकता है, डिफरेंट टाइप के अल्काइल्स डेरिवेटिव आपके पास हो सकते हैं। अगर मैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करूँ, IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या है कि मॉलिक्यूल कहाँ एल्केन से ड्राइव है, अगर मैं इसके जो हमारे पास एस्टाइलिन की जगह हमारे पास आता है इथाइलिन, इथाइल IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करता हूँ, IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होता है हमारे पास जो एल्केन में एन होता है, जहाँ पे एन होता है उसको हम आयन से रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी इन से रिप्लेस आयन से रिप्लेस कर देते हैं हम उसको, सो ये क्या हो जाएगा एन यहां से चेंज हो जाएगा सो ये क्या हो जाएगा अल्काइन। ओके ये होता है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, जो एल्केन होता है उसको हम जो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं सो उसमें क्या होता है कि जो उसका एल्केन में एल्केन से ड्राइव है, वैसे तो अगर मैं एल्कीन या अल्काइन की बात करूँ वो सभी क्या है बेसिक यूनिट है ड्राइव एल्केन से ही है। ओके जो बेसिक यूनिट है वहाँ पे एल्केन एन को वहाँ से आइन से रिप्लेस कर दूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्काइन हो जाएगा। सबसे पहला रूल क्या है कि जो लॉन्गेस्ट चेन उसको कंसिडर करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, जो हम लॉन्गेस्ट चेन जो हम नंबरिंग कर रहे हैं उसको इस तरह से करना है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है। सो फर्स्ट रूल क्या होगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड एज इट्स पेरेंट चेन, मीन्स जिसको हम पेरेंट चेन मान रहे हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज द पेरेंट चेन। कि हमारी पेरेंट चेन वो होगी जिसमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन वो होगी जिसके अंदर क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। और जो ये तो मैंने बताया कि एन को मैं किससे आयन से रिप्लेस कर देना है सो वो क्या हो जाएगा अल्काइन हो जाएगा वहां पे। और जो पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड है और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंड क्या होगा पोजिशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, उन सबको हमें किससे रिप्रेजेंट करना है अरेबिक नंबर से रिप्रेजेंट करना है और अरेबिक नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 1 2 3 एटसेट्रा। थर्ड रूल क्या होगा जो नंबरिंग है कार्बन चेन की इस तरह से करनी है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हमेशा लोवेस्ट पोजीशन मिले, ट्रिपल बॉन्ड शुड गेस्ट ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट लोवेस्ट पोजीशन। मीन्स हमें लोवेस्ट जो लोकेंट रूल है उसको फॉलो करना है, जो लोएस्ट या जो सबसे स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट लोकेंट रूल है हमें उसको फॉलो करना है। और अगर हमारे पास कहीं पे इस तरह से है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको दोनों साइड से सेम पोजीशन मिल रही है, सपोज करो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल इस तरह से है जहां पे जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट सेम पोजीशन मिल रही है, आप उधर से नंबरिंग करो उधर से नंबरिंग करो, जैसे मैं इस एग्जाम्पल में आप ले लो कि जहाँ पे कोई हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है कि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रहे दोनों साइड से सो आपको उस साइड से नंबरिंग करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले। मैं इसको अगर लिखना चाहूँ एंड इफ ट्रिपल बॉन्ड
गेट्स सेम नंबरिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन देन सब्स्टिट्यूएंट शुड बी एट लोएस्ट नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड को तो सबसे लोएस्ट पोजीशन देनी है, अगर वहां पे सब्स्टिट्यूएंट वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, मीन्स वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी अवेलेबल है तब आपको इस तरह से नंबरिंग करनी है। और वहां पे ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है दोनों साइड से, आप जब उसकी नंबरिंग कर रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबरिंग मिल रही है, तो उस केस में आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले। ओके, और फोर्थ रूल है कि हमारे पास कि जो हमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर में उसका नेमिंग करनी है, नेमिंग इस तरह से करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें उसकी पोजीशन मेंशन करनी है वहां पे। एक हाइपन हम यूज करते हैं, आपको पता ही है कि 3-methyl-hypen-butyne जो हम सब वहां पे यूज करते हैं। सो अगर मैं जो हमारे पास ये 2-3 रूल्स मैंने लिखे हैं और इनके रिगार्डिंग मैं अगर मैं मॉलिक्यूल्स बनाता हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सपोज करो ये CH3, ओके, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले तो कि जो हमारे पास हमें उसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है जिसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, ट्रिपल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, और जो सब्स्टिट्यूएंट है ट्रिपल बॉन्ड है उसको अरेबिक नंबर से रिप्रेजेंट करना है, उनको क्या करना है अरेबिक नंबर से दिखाना है सब्स्टिट्यूएंट, उसको लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। सो इसकी नंबरिंग किस तरह से होगी, और मैं इसकी नंबरिंग की बात करता हूँ 1, 2, 3, 4। अब एक चीज का यहां पे ध्यान से देखना कि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, लेकिन आपको ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग बाद में करनी है। तो आपने वहां पे क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। सो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा, 3 पे क्या मिथाइल, आपको हाइपन से दिखाना है, जब आप कंप्लीट नेम उसका लिखोगे सो आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के साथ एक हाइपन यूज करना है, 3-methyl और 1 पे क्या मिथ इथ प्रोब्यूट 1-butyne, 3-methyl-1-butyne। ओके, आपको उसकी भी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है। सपोज करो आप इसके पास, आपके पास बेसिक इस तरह से है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सो इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा, प्रोपाइन, ये तो सिंपल ही है 1, 2, 3 मिथ इथ प्रोप, सो क्या होगा प्रोपाइन। अगर 4 होते तो ब्यूटाइन, 5 होते तो पेंटाइन, वहां पे इस तरह से होता। और एक आप ये भी देख लो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है CH3 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 CH2 CH3। ओके, सो इस केस में नंबरिंग आप कैसे करोगे, देखो एक तो ये है कि आपको ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देनी है। सपोज करो मैं यहां से करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो इस केस में नोमेनक्लेचर क्या होगा, 5 पे क्या मिथाइल और 3 पे क्या हेक्साइन, एक तो ये हो गया। सपोज करो अब मैं नंबरिंग इस तरह से करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो इसमें क्या होगा 2-methyl-3-hexyne। और मैंने कहा है कि आपको सबसे लोएस्ट पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड को देनी है,
जो लोएस्ट नंबरिंग रहनी चाहिए वो ट्रिपल बॉन्ड की रहनी चाहिए, ओके। बट अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है, मीन्स यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड 3 पे और यहाँ पे भी 3 पोजीशन पे है, जो मैंने रेड से नंबरिंग की वहाँ पे 3 पे है, रेड जो सॉरी जो ब्लैक से नंबरिंग की वहाँ पे 3 पे आता है और जो रेड से नंबरिंग की वहाँ पे 3 पे आता है, आप ये देखते हो कि ये पोर्सन सेम है बिल्कुल। ओनली मिथाइल जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नंबरिंग चेंज हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू जो रूल यहाँ पे है कि ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट पोजीशन एंड इफ द ट्रिपल बॉन्ड गेट्स सेम नंबरिंग फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, आप इस साइड से नंबरिंग कर रहे हो उस साइड से नंबरिंग कर रहे हो उसको सेम पोजीशन मिल रही है, सो उस केस में आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट पोजीशन देनी है। सो जो आपने ये नोमेनक्लेचर किया है ये रॉन्ग है और ये आपका राइट है। सो 5-methyl-3-hexyne उसकी जो अगर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में उस तरह से नंबरिंग करते हो सो क्या वो रॉन्ग है, और जो 2-methyl-3-hexyne है वो क्या वहाँ पे करेक्ट है। मीन्स आपको सब्स्टिट्यूएंट का भी ध्यान रखना है और ट्रिपल बॉन्ड का भी ध्यान रखना है। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है वहां पे, जैसे मेरे पास ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर लो सब्स्टिट्यूएंट सेम है, वहाँ पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट था जो मैंने हमने इससे जो लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या होगा 2,5-dimethyl-3-hexyne, 2,5-dimethyl और 3 पे क्या हेक्जाइन। और अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो, मैं आपको वो भी दिखा लूँ दिखा देता हूँ कि आप इस साइड से नंबरिंग करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तब भी क्या आएगा 2,5-dimethyl-3-hexyne, क्योंकि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूएंट्स जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है, सो वहाँ पे उसका वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ओके। ये तो था कि अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, बट अगर आपके मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है, सपोज करो आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है, तब आपको क्या करना है, तब उसका आईयूपीएसी जो नॉमन क्लेचर आपको किस तरह से करना है। इफ इन मॉलिक्यूल देयर आर बोथ ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी वहां पे अवेलेबल है, सो उस केस में आपको क्या करना है, एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है वहां पे, एल्कीन में आपको क्या करना है, सिर्फ ई को ड्रॉप करना है, सो इसका नेम क्या होगा एल्कीनाइन। आपको क्या करना है, सिर्फ जो एल्कीन का ई है उसको ड्रॉप करना है, ओनली माइनस ई मैंने लिखा है, साथ में आपको आयन वर्ड यूज करना है और जो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा वो क्या होगा एल्कीनाइन। आपको ध्यान रखना है अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी वहां पे अवेलेबल है, सपोज करो मेरे पास जैसे मॉलिक्यूल ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है, सो आपको नंबरिंग किसको देनी है, अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड भी है तो ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी। इन मॉलिक्यूल देर आर बोथ डबल ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट लोवेस्ट पोजीशन। ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगा लोएस्ट पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, सो इसका नॉमन क्लेचर आप किस तरह से करोगे, 5 है तो कितना हो गया पेंट, 3 पे क्या है इन और 1 पे क्या है आइन, हो वही गया देखो पेंटीनाइन, लेकिन 3 और 1 क्या कर रहा है पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डबल बॉन्ड कहां पे है और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, 3 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, इन मीन्स डबल बॉन्ड और 1 मीन्स जो सॉरी इन मीन्स डबल बॉन्ड,
इन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड को, और आयन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को। ओके ये तो इस तरह से होगा, लेकिन अगर कहीं पे इस तरह से है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है और जो डबल बॉन्ड है दोनों की पोजीशन सेम है, मीन्स अगर जो ट्रिपल बॉन्ड और जो डबल बॉन्ड है अगर उन दोनों की पोजीशन सेम है, सो उस केस में तब आपको क्या करना है, समझ रहे हो ना। मीन्स अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ जाता है आपके पास, सपोज करो, चलो मैं इसके बार रब कर देता हूँ, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन पे हूँ, यहाँ पे तो क्या थे, डिफरेंट नंबरिंग थी, जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड थे क्या वो डिफरेंट पोजीशन पे थे, बट इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हैव सेम नंबरिंग फ्रॉम आइदर साइड, इफ ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड गेट्स सेम नंबरिंग फ्रॉम आइदर साइड देन डबल बॉन्ड गेट्स लोएस्ट नंबरिंग। ओके अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों को सेम पोजीशन मिल रही है, सेम नंबरिंग आ रही है, जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, ओके इसे मैं इस साइड से नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मीन्स अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग कर रहा हूँ तब भी उसको वन आ रही है, और डबल बॉन्ड को भी नंबरिंग वन आ रही है, सो उस केस में आपको क्या करना है, प्रेफरेंस किसको देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को, सॉरी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस किसको देनी है, आपको डबल बॉन्ड को वहां पे प्रेफरेंस देनी है। सो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, पेंट, वन पे क्या इन और फाइव पे क्या आइन। ओके ई तो हमें ड्रॉप ही करना है, एल्कीन का ई, पेंट वन इन फाइव आइन। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जब आप नंबरिंग कर रहे हो आइदर डायरेक्शन से, सेम पोजीशन मिल रही है, सो उस केस में जो आपका प्रेफरेंस रहेगा वो रहेगा डबल बॉन्ड का, और वैसे अगर मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तब आपका जो प्रेफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड का रहेगा। ओके और एग्जांपल देख लो, अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है जहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4 5 6 इसका नंबर आप नंबरिंग आप कर सकते हो, किस तरह से होगा नोमेनक्लेचर, हैग्स, ओके 1 और 3 पे क्या है, डाई, और 5 पे क्या है, आई। आपको जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो भी है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वहां पे अरेबिक न्यूमरल यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट उसके आप उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके सो आई थिंक आपको जो ये आईपीसी नोमेनक्लेचर वाला जो एल्काइंस के केस में था हमारे पास वो क्लियर हो चुका होगा कि अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तब आपको प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को सेम नंबरिंग आ रही है, सेम पोजीशन पे है, जब आप आइदर डायरेक्शन से उसकी नंबरिंग कर रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों वन पे आ रहे हैं, तो उस केस में आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, पेंट वन इन फाइव आइन। वन इन मीन्स जो डबल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबरिंग मिली है, प्रेफरेंस मीन्स उसको हमेशा लोएस्ट नंबरिंग हम बात करते हैं। सो आई होप जो एल्काइन से रिलेटेड हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था और जिसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर था वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।